हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इससे पहले क्लास में हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़े थे, पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन को, और कुछ क्वेश्चन किए थे। इसका और भी क्वेश्चन करवाना था, इससे पहले क्लास में भी बोले थे कि और क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन थोड़ा कुछ जो थ्योरी वाला पार्ट बचा हुआ है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है और कुछ और, मतलब एक आध चीज़ अगर बचा हुआ है, तो सबसे पहले सोच रहे कि थ्योरी वाला पार्ट पूरा ख़त्म कर देते हैं, तो वेक्टर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ न्यूमेरिकल। तो एक दो वीडियो अलग से न्यूमेरिकल्स का बना कर दे देंगे, और बाकी एस सी वर्मा का सोलूसन किया हुआ है चैनल पर। इससे पहले साल ही एस सी वर्मा का किए थे, तो जो भी बच्चा वेक्टर्स पढ़ने के बाद एस सी वर्मा जो आपका क्लास 11th वाला है उसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब बनाएंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन लास्ट का छूट गया था इसका, वेक्टर का नहीं कर पाए थे सोल्यूशन, तो उसका भी कर देंगे अभी इसको, मतलब कंप्लीट करने का, करने के बाद। सेकेंड बात है कि वीडियो थोड़ा दिन दिन पर आता है, बहुत दिन हो जाता है तब जाकर हम वीडियो डाल पाते हैं। वेक्टर्स का भी है, वेक्टर्स पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम वीडियो रेगुलर डालें, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन अभी हम क्या सोच रहे हैं कि एक क्लास 11th का मेरा बैच है, तो हम सोच रहे हैं कि उसी में मतलब डायरेक्ट ही रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लास 11th का बैच चलता है, तो क्लास 11th के बैच में डायरेक्ट ही हम रिकॉर्ड करने का कोशिश करते हैं। उससे क्या हुआ कि वीडियो आपको डेली जाता रहेगा, हर एक दिन, मतलब हर एक दिन, मतलब कि सप्ताह में अगर एक दो दिन क्लास नहीं चला वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट क्लासरूम में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उससे क्या हुआ कि वीडियो के लिए स्पेशल हमको नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर पाएंगे। और कंटेंट का बात रहा तो पूरा का पूरा बैच का ही हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें तो कमी आएगा नहीं कुछ। एस सी वर्मा, बाकी अलग से एस सी वर्मा का वीडियो बनाते जाएंगे, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे एक चैप्टर अगर हो गया तो बाकी एस सी वर्मा का जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन कर देंगे, फिर अगला चैप्टर अगर होगा तो उसका जो भी क्वेश्चन है कर देंगे। जैसे अगर मान लेते कि पहला चैप्टर आपको वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं, और वेक्टर्स का तो मान लेते सोल्यूशन हुआ है, दो चार क्वेश्चन है उसको हम कर देंगे। सेकेंड चैप्टर, हालांकि सेकेंड चैप्टर हमको पहला चैप्टर ही पढ़ाना चाहिए था, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते समय आपको बोले थे, लेकिन अभी हम पढ़ाएंगे वेक्टर्स खत्म होने के बाद यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जब पढ़ाएंगे तो उसका सोल्यूशन हो चुका है एस सी वर्मा का, यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन का किया हुआ है सोल्यूशन। तो काइनेमेटिक्स से बाकी करना है, जब मोशन वगैरह स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स चैप्टर, तो फिर इसका सोल्यूशन वापस हम करेंगे, और थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो डलाएगा क्योंकि हम बैच में ही रिकॉर्ड करने का कोशिश करने वाले हैं, ऐसा हम प्लान किए हैं। तो उससे क्या हुआ कि वीडियो बहुत सारा बच्चा को ऐसा, मतलब कंप्लेन है, या बहुत सारा बच्चा ऐसा सोचता है कि वीडियो अपलोड बहुत दिन में होता है, ये भी एक समस्या है। और हम जान रहे हैं अक्सर लेट ही होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेट हो जा रहा है बात अलग है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वीडियो डालें। लेकिन अब थोड़ा हम कुछ सोचे हैं कि जिसके कारण वीडियो थोड़ा हम जल्दी जल्दी डालने का प्रयास करेंगे, मतलब लगभग जल्दी जल्दी करने का मतलब डेली ही, एक आध दिन नागा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि बैच तो डेली चलना है, तो बैच डेली चलेगा तो डेली ही रिकॉर्डिंग होगा, सिर्फ बात रहा अपलोड करने का, एडिट वगैरह करने का, वो करेंगे। तो कोशिश रहेगा कि डेली ही डालें, इसके लिए स्पेशल हम टाइम भी निकाले हैं। अगर कोई काम नहीं होता तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि हम नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम कम रहने के कारण ऐसा हो जाता, समस्या आता है। अभी हम लोग वेक्टर में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो चुका है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका क्वेश्चन बहुत करना है, अभी क्वेश्चन इसका तो करना है, हम लोग को करेंगे इसका क्वेश्चन, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वेक्टर अभी, इसलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कल से फिर हम मेजरमेंट वाला वीडियो भी डालना शुरू करेंगे, तो मतलब थोड़ा कम से कम वेक्टर का पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वेक्टर का पूरा थ्योरी ख़त्म हो जाना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस का तो वीडियो हम डाल ही देंगे, इसी बार का भी सोल्यूशन है, तो कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी कारण हम आज वीडियो भी थोड़ा मतलब लंबा हो सकता है, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट है हम कोशिश करेंगे हर एक को ही हम कर दें, मतलब जितना बच गया है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या उसके अलावा भी कुछ अगर है तो हम कोशिश करेंगे ख़त्म ही कर देने का। तो अगर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इससे पहले हम बात कर रहे थे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन का बात किए हैं, सब्ट्रैक्शन में आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जब हम लोग वेक्टर का थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, एडिशन भी कर रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, तो हम पर टोटल फोर्स कितना है, तो हम पर टोटल फोर्स 0 न्यूटन का लग रहा है। लेकिन एक बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर, एक बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर, फिर भी हम कह रहे हैं कि
हम कह रहे हैं कि दो फोर्स को जोड़ रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स प्लस 10 न्यूटन फोर्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं हम, 10 न्यूटन में से हम 10 न्यूटन को घटा रहे हैं, तो आ रहा है आंसर 0 न्यूटन। जैसे अगर मान लेते कि जब भी रहा ना कि जैसे एक वेक्टर मेरे पास अगर ए है और दूसरा का वेक्टर मेरे पास अगर बी है और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर कह दिया कि दोनों वेक्टर का सम करना है, माने ऐड करना है दोनों वेक्टर का, तो दोनों वेक्टर का ऐड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम तो कहते हैं कि आर इक्वल टू फार्मूला लगाता है बच्चा लोग, कि आर इक्वल टू फार्मूला है रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला बच्चा लोग लगाता है। तो अगर कभी कह दे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट मैंने क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर कह दे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर कह दे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करना है, मैंने दो वेक्टर को घटाना है, तो उसके लिए भी ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन जब करिएगा तो ऐसा मैंने समझा रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो सही रहेगा, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो जैसे अगर थोड़ा दिमाग लगाइए कि वेक्टर को घटा रहे हैं, तो फिगर समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और प्लस नहीं कर रहे, माइनस कर रहे, मैंने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वेक्टर बी इधर है ना, माइनस ऑफ वेक्टर बी मतलब कि डायरेक्शन क्या करेंगे वेक्टर बी का उलट देंगे। तो ऐसे अभी वेक्टर बी ऐसे था, ई था वेक्टर बी, अब बीच का एंगल थीटा था, लेकिन हम घटा रहे हैं, अब हो गया ई वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ई हो गया वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। हालांकि हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि वेक्टर ए में हम जोड़ ही रहे हैं किसको, माइनस ऑफ वेक्टर बी को। हम अगर कहते हैं कि वेक्टर ए में से घटा रहे हैं वेक्टर बी को, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर ए में, ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए में हम जोड़ रहे हैं माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस साइन मतलब कि वेक्टर बी का डायरेक्शन को चेंज हो गया, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी, बी मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दिए, हम ई कहते हैं। तो अगर मान लेते कि ऐसा किए हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो हम बोले दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा फार्मूला, फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। उससे अच्छा तो आप ऐसे ही मैंने समझ लीजिए कि हम बीच में प्लस दे ही देते हैं, साइन तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही समझ में आएगा कि वेक्टर ए प्लस ही कर रहे हैं माइनस ऑफ वेक्टर बी से। तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर ही, प्लस टू ए बी और कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा क्या है, थीटा माने एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ए और माइनस बी, युवा वेक्टर ए युवा वेक्टर माइनस बी, इसके बीच का एंगल कितना है, तो बीच का एंगल कितना है देख लीजिए, ई भी हुआ एंगल, ई हुआ थीटा, तो युवा 180 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 180, तो ये एंगल हुआ 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो बाकी आपको पता ही है कि 180 माइनस माने कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस को आगे कर दिए, ये हो गया अगर दो वेक्टर को घटाना है, मैंने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किए हैं, तो मैंने अगर दो वेक्टर को घटाना है ने, तो फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस कर देना है, जोड़ रहे तो प्लस, घटा रहे तो माइनस, बस इतना आपको मतलब याद रखना है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन के समय ज़्यादा, कैसे हुआ ये बता ही दिए। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का मतलब। अब हम बात करते हैं दो वेक्टर का गुना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वेक्टर का प्रोडक्ट, बाकी क्वेश्चंस वगैरह होगा, ये सब कॉन्सेप्ट सब यूज कर देंगे हम क्वेश्चन के समय, बता रहे हैं कि जब आपका वीडियो हो जाएगा वेक्टर का पूरा थ्योरी खत्म होगा, तो स्पेशल एक वीडियो या दो वीडियो आपका आएगा, लंबा वीडियो ही आएगा जिसमें पूरा क्वेश्चन रहेगा आपका, चुन चुन कर उसमें क्वेश्चन हम करा देंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर का। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो प्रोडक्ट होता है, एक हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट,
एक बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब ये बात आप स्टार्टिंग के समय में जब वेक्टर आप स्टार्टिंग वीडियो देखे होंगे उसी समय ये बात आपको माइंड में घूम रहा होगा, और उस समय भी हम बताए थे कि अगर दो वेक्टर को गुना करते हैं तो वह स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। याद करिए स्टार्टिंग के समय हमने बोले थे कि अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना किए अगर कॉस थीटा है तो वह हमेशा स्केलर आएगा, और वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना किए अगर साइन थीटा है तो वह हमेशा वेक्टर आएगा। वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना किए कॉस थीटा तो स्केलर, वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना किए अगर साइन थीटा तो वेक्टर। इसका मतलब उस समय भी आप समझ रहे होंगे कि दो वेक्टर को गुना करेंगे तो स्केलर भी आ सकता है, दो वेक्टर को गुना करने पर वेक्टर भी आ सकता है। तो वही हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, मैंने दो वेक्टर को गुना करने पर आंसर अगर स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दो वेक्टर को गुना करने पर आंसर हमारा वेक्टर आएगा तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का बारी बारी से बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास दूसरा एक वेक्टर बी है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, तो जो हम साइन यूज करते हैं वो डॉट का यूज करते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते समय साइन यूज करें डॉट का, और ये दोनों का गुना करने पर जो आंसर आएगा, मान लेते सी आया तो सी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर मतलब नहीं है मतलब किसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर आंसर स्केलर है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय साइन यूज कर रहे हैं हम लोग डॉट का। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या, जैसे एक मेरे पास वेक्टर है ए, एक मेरे पास वेक्टर है बी, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। जो सी आ रहा है ना, सी अभी वेक्टर है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करते समय साइन यूज करना है क्रॉस का, इसलिए बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आंसर मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट है या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का मतलब इसलिए बोलते हैं ताकि, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते समय हम क्रॉस का यूज करते साइन। अगर सी एक मेरा वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, दोनों बात होगा इसके पास, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, तो हम दोनों का बात करेंगे, मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। हो गया होगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। जैसे क्या हम बोल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट में, कि जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए है उसको मैंने, सॉरी हम क्रॉस का यूज कर दिया, सिंबल क्रॉस का यूज नहीं करना है। मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मल्टीप्लाई करते समय किसका साइन यूज करना है डॉट का, तो जो आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा। सी यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड है तो सी का मतलब सी तो आखिर स्केलर ही है, तो डायरेक्शन का तो बात कर ही नहीं सकते हम, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने सिंबल यूज करना है डॉट का, तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो इस स्केलर क्वांटिटी कितना होगा, इस मैंने इसका मैग्नीट्यूड स्केलर ही है तो मैग्नीट्यूड ही होगा सिर्फ इसके पास, तो ए बी कॉस थीटा।
मैंने ऐसे याद ही रख लीजिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, इसको याद रखना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, इससे ज़्यादा आपको याद रखने का जरूरत भी नहीं रहेगा। ये आपका मेन फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बाकी काम इसी पर हम लोग कर लेंगे, बाकी समझना आपको कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये बात तो पता है, अगर आपको आपको ये भी पता है यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे कि यूनिट वेक्टर तीन होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के तरफ यूनिट वेक्टर बोले थे जे कैप, और जेड के तरफ यूनिट वेक्टर बोले थे के कैप। तो अगर मान लेते हैं कि हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम अगर कहते हैं कि आई कैप जो यूनिट वेक्टर है उसको गुना करेंगे आई कैप, दो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट, आई कैप डॉट आई कैप, हमको करना है आई कैप डॉट आई कैप। क्या करेंगे मतलब कि तरीका क्या है, हम क्या बोले थे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा मतलब कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर कौन सा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सही है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस, और आई कैप के बीच का एंगल कितना है, आप देख सकते हैं एक यूनिट यूनिट, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स की तरफ होता है ना यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप। तो एक यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप डॉट आई कैप, मैंने दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री, तो ये कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान आप समझ सकते हैं साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान वन होता है, तो आप समझिए कि, और बाकी तो पता ही है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, आई कैप क्या यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड वन, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, कॉस जीरो का मान वन, वन इंटू वन इंटू वन क्या होगा वन, आई कैप क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या किसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, तो हम लिख दिए आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, मैंने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है जीरो, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा वन, इसका मैग्नीट्यूड वन, कॉस जीरो का मान वन, मल्टीप्लाई करने पर वन। तो याद रखना है आई कैप डॉट आई कैप वन, याद ही रख लेना है आई कैप डॉट आई कैप करने पर क्या आया वन, आई कैप डॉट आई कैप वन। अगर हम बोलते हैं कि जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप, तो भी वन होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी वन, यूनिट वेक्टर है, जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, और दोनों के बीच का एंगल क्या है जीरो ही है, जे कैप मतलब ऊपर, दोनों वेक्टर का दोनों वेक्टर ऊपर ही है, तो उसके बीच का एंगल जीरो, और कॉस जीरो का मान क्या होगा वन, वन इंटू वन इंटू वन वन होगा, तो जे कैप डॉट जे कैप भी वन, इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखें, आई कैप वन, जे कैप डॉट जे कैप वन। अगर हम बोलते हैं कि के कैप डॉट के कैप, तो भी वन होगा, के कैप डॉट के कैप वन, क्योंकि के कैप का मैग्नीट्यूड वन, के कैप का मैग्नीट्यूड वन, दोनों के बीच का एंगल जीरो, कॉस जीरो का मान वन, वन इंटू वन इंटू वन, तो आंसर होगा वन, सही है। तो आई कैप वन, जे कैप डॉट जे कैप वन, कैप डॉट के कैप वन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर हम बोलते हैं अभी तो आई को आई के साथ कर रहे थे, आई कैप डॉट जे कैप करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, आई कैप और जे कैप के बीच एंगल कितना है, आई कैप इधर जे कैप इधर, एंगल है 90 डिग्री, तो कॉस 90, और पता है कि कॉस 90 का मान जीरो होता है, कॉस 90 का मान जीरो, तो वन इंटू जीरो पूरा जीरो, तो जीरो, आई कैप डॉट जे कैप जीरो। अगर कोई बच्चा कहता है कि जे कैप डॉट के कैप, तब भी जीरो, जे कैप डॉट के कैप जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये है जे कैप और के कैप, तो वास्तव में ई है, जे कैप और ये के कैप बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 का मान जीरो, तो पूरा जीरो, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अगर कोई बच्चा कहता है के कैप डॉट आई कैप, तब भी जीरो, के कैप डॉट आई कैप, यूनिट वेक्टर तो अलग अलग यूनिट वेक्टर है, तो आपस में परपेंडिकुलर ही होगा,
अगर आपस से परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होगा, सही है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आई कैप डॉट, माने अगर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो बन आई कैप बन, जे कैप बन, के कैप बन, अगर अलग अलग है जैसे आई को जे के साथ या जे को के साथ या के को आई के साथ तो जीरो, इसको आपको याद रखना है। इसको आप नोट करें, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं का स्केलर प्रोडक्ट का, तो इसको आप नोट करें। हो गया, देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है उसका नाम है 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। हमको क्या कह रहा है ना फाइंड करने के लिए, फाइंड लगा लिख दीजिए, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब करिए, करना है तरीका, मैंने सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है उसको करके दिखाते हैं हम। वेक्टर ए लिखिए 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, डॉट है डॉट दीजिए। वेक्टर बी 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप, सही है। अब क्या करेंगे हम, गुना करना शुरू करेंगे, मैंने 2i कैप को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों के साथ, फिर 3j कैप को मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों के साथ, फिर 4k कैप को मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों के साथ। यही मल्टीप्लाई का नियम है, आप जानते भी हैं, इसको पहले करते हैं। तो 2i कैप डॉट 3i कैप + 2i कैप डॉट 4j कैप + 2i कैप डॉट 5k कैप + हो गया। इसको अब करेंगे 3j कैप डॉट 3i कैप + 3j कैप × 4j कैप + 3j कैप 3j कैप × 5k कैप, सही है। अब इसको करेंगे 4k कैप 4k कैप डॉट 3i कैप + 4k कैप 4k कैप डॉट 4j कैप + 4k कैप डॉट 5k कैप, सही है, कर दिए। इसमें तो कुछ था नहीं, इसको किए इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको किए इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको भी किए इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 6 आई कैप डॉट आई कैप, याद रखना था अभी बताएं, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया, बन बताए थे अभी हम, क्या बताएं, आई कैप डॉट आई कैप बन, जे कैप डॉट जे कैप भी बन, के कैप डॉट के कैप भी बन, और आई कैप डॉट जे कैप जीरो, जे कैप डॉट के कैप भी जीरो, और के कैप डॉट आई कैप भी जीरो। तो i कैप डॉट i कैप बन 1 × 6 + चार दुनी 8 i कैप डॉट j कैप होता है जीरो, तो 8 × 0 ये तो पूरा हो जाएगा जीरो, 5 × 10 × i कैप डॉट k कैप जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, के कैप डॉट आई कैप भी जीरो और आई कैप डॉट के कैप भी जीरो होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो जीरो हो जाएगा, सही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको करते हैं। देखिए यहां पर भी क्या जे है और आई है, तो जे कैप डॉट आई कैप तो जीरो, तो 0 × 9 जीरो ही हो जाएगा। यहां पर देखिए जे कैप डॉट जे कैप, तो जे कैप डॉट जे कैप तो बंद होता है, तो चर्तिया 12। यहां पर देखिए ना, ऐसे देखिए जे कैप के कैप ये तो ऐसे हो जाएगा जीरो, के कैप आई कैप अलग अलग है तो जीरो,
के कैप जे कैप ये भी जीरो, लास्ट में के कैप है तो वन, तो पंच ऑफ बीस इंटू वन बीस, बाकी जोड़ दीजिए छः प्लस बारह अट्ठारह प्लस बीस, अट्ठारह प्लस बीस कितना अड़तीस हो जाएगा, इतना आया आंसर सही है। तो इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से करना नहीं आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर करने के लिए दिए तो आपको एकदम इस प्रकार से करना नहीं, इस प्रकार से करना नहीं है। देखिए कैसे करना है आपको, इसको मिटा दिए, हमको क्या करना है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, शॉर्टकट तरीका। आई कैप के कोफिशियंट को आई कैप के कोफिशियंट का मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करें, तीन दुनी छः, इसको मल्टीप्लाई करिए, तीन दुनी छः प्लस जे कैप के कोफिशियंट को जे कैप के कोफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चरतिया बारह, के कैप को के कैप के साथ मैंने पंचो बीस, छः प्लस बारह अठारह प्लस बीस अड़तीस, ऐसे करना है आपको डायरेक्ट, आपको यही तरीका को अपनाना है। हम ये बता भले दिए, अलग बात है कैसे होता है, ऐसे करेंगे तो पूरा समय जाएगा, समझना था सिर्फ आपको, बाकी तरीका आपको यही करना है। तो इसको आप नोट करें, फिर कुछ और बात करते हैं, इसको आप नोट करें। हो गया है। अब देखिए, हम अगर बात करते हैं इस प्रकार से, आप लिख लें कि अगर हम लिख देते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो अगर पूछेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो फार्मूला टाइप का ही याद करिएगा, ए वन बी वन, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, इसको आप फार्मूला की तरह ही याद करिएगा, ऐसे याद ही रहेगा, हम बता ही दिए तरीका, इसको इसके साथ गुना करना है प्लस, इसको इसके साथ गुना करना है प्लस, इसको ये ध्यान रखना है कि आई कैप का कोफिशेंट को गुना करना है आई कैप के कोफिशेंट के साथ ही, जे कैप का कोफिशेंट को गुना करना है जे कैप के कोफिशेंट के साथ, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कर देना है, तब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लें एक कॉपी में साइड में, बाकी आप तो कर ही लेंगे गुना, फिर आप कुछ आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट का। हो गया है, इफ एक पॉइंट बता रहे हम, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दो वेक्टर अगर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जैसे हम कहते हैं कि वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है बी के, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तब कहेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो आंख मुन के कहना है जीरो। दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है, माने दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इधर यूनिट, इधर अगर मान लेते हैं कि वेक्टर है, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, इधर है वाई एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर यूनिट वेक्टर जे कैप, तो हमने बताया कि आई कैप डॉट जे कैप तो जीरो ही होता है, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा जीरो, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, आई कैप और जे कैप वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है जीरो, यहीं से आप समझ सकते हैं। आपको इस पॉइंट को एकदम रट लेना है, इसका बहुत यूज होगा,
कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। इस बात को एकदम रट लेना है, कॉपी में लिखकर रट लेना है। चलिए इसको नोट करें, सही है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमको करवाना है, उसको भी करवा ही देते जल्दी से इसी पर, और बाकी प्रोजेक्शन और कंपोनेंट का भी बात करेंगे, उसको भी हम बात करने वाले हैं। पहले एक क्वेश्चन जो अभी बताएं उस पर एक क्वेश्चन होना चाहिए। मेरे पास चलिए आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ इफ वेक्टर ए इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इक्वल टू फोर आई कैप प्लस एन जे कैप माइनस टू के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू, एंड वेक्टर बी इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो डैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अच्छा कताई वेक्टर ए है फोर आई कैप प्लस एन जे कैप और माइनस टू के कैप, ये वेक्टर बी है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, दो वेक्टर है, ये एन का मान पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, लेकिन कह रहा है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम पढ़े ना कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, इसका मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, जीरो। वेक्टर ए कितना है फोर आई कैप प्लस एन जे कैप माइनस टू के कैप, सही है। वेक्टर बी कितना होगा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। अब क्या करेंगे, आई कैप का कोफिशेंट को आई कैप का कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चढ़ दो नहीं आठ। अच्छा एन इंटू थ्री प्लस थ्री एन माइनस माइनस टू और गुना इसका कोफिशेंट बन, तो माइनस टू इक्वल टू जीरो, आठ माइनस टू छः, मैंने थ्री एन प्लस छः इक्वल टू जीरो, तो थ्री एन इक्वल टू माइनस सिक्स, तो एन इक्वल टू कितना माइनस टू हो गया, निकल गया इनका मान, सही है। बाकी और क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम इस पर करवा दिए, इसका यूज बहुत आएगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, एक टॉपिक है प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको थोड़ा समझते हैं। प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ध्यान देने वाली बात है। मान लेते दीवार एक और ये एक वेक्टर है या एक लेंथ है सिर्फ। मान लेते कि लाइट इधर से लाइट आ रहा है, मान लेते ये टॉर्च वगैरह कुछ होगा, लाइट इधर से आ रहा है। तो अगर मान लेते कि लाइट ऐसे लाइट इधर से आएगा इस पर, तो इसका कुछ इमेज बनेगा परपेंडिकुलर इमेज, इसका कुछ इमेज बनेगा, ऐसे शैडो बनेगा, इमेज नहीं शैडो बनेगा इस
जो वेक्टर है या लेंथ है इसका शैडो बनेगा इस दीवार पर। मान लेते ये शैडो है, ये शैडो बना, तो हम बोलेंगे ना इस वेक्टर का ये प्रोजेक्शन है। वेक्टर का क्या है? प्रोजेक्शन। जैसे अगर मान लेते हैं प्रोजेक्शन मतलब कि डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, प्रोजेक्शन मतलब स्केलर समझना है। इसका शैडो मतलब अगर लाइट ऐसे आया तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसका अगर मान लेते हैं कि वर्टिकल है तो वर्टिकल की तरफ बात कर रहे हैं और एक्स एक्सिस की तरफ भी बात कर सकते हैं। अगर लाइट ऐसे आ रहा होगा, लाइट इस प्रकार से आ रहा होगा, लाइट ऐसे आ रहा होगा तो कुछ एकदम इतना सा बनेगा। ये इसका जो शैडो बनेगा, इसका शैडो बाई एक्सिस की तरफ इतना बनेगा और इसका शैडो एक्स एक्सिस की तरफ इतना बनेगा। तो इसका ये भी प्रोजेक्शन है और इसका ये भी प्रोजेक्शन है। इसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, इसका प्रोजेक्शन है बाई की तरफ। हम प्रोजेक्शन का मतलब बता रहे हैं कि प्रोजेक्शन का मतलब कि इसका जो इस लेंथ का, लेंथ का जो शैडो बना ना इतना सा, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, क्या है दोनों के बीच का एंगल? थीटा। तो अगर हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, माने बी का प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ कितना है, बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, तो हम क्या कहेंगे? वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो गया क्या, ये प्रोजेक्शन हो गया। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए की तरफ, ई कितना होगा तो इसको बोलेंगे, अगर ये बी है ये थीटा है तो इसको नहीं बोल देंगे, ये वाला लेंथ को हम लोग बोल देंगे बी कॉस थीटा, इसको बोलेंगे बी कॉस थीटा, पढ़े ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको बोलेंगे बी कॉस थीटा, माने वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ बी कॉस थीटा। हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किसके तरफ, ये भी लिखना जरूरी है, वेक्टर ए की तरफ, अलोंग वेक्टर ए। हाँ, ये नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, विथ हॉरिजॉन्टल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, अभी देखने में लग रहा है कि एक्स एक्सिस, अगर हम ऐसे कर दे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा, माने इस पूरा फिगर को ही, इस पूरा फिगर को ही हम थोड़ा रोटेट कर दें इस प्लेन में, इस प्लेन में पूरा फिगर को रोटेट कर दें, इस फिगर को ऐसे रोटेट किए। तो अगर अभी हम पूछते हैं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन एक्स की तरफ, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन एक्स की तरफ नहीं बोल सकते, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, तो कितना होगा बी कॉस थीटा, ये होगा प्रोजेक्शन बी का, ये क्या होगा बी कॉस थीटा, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए माने वेक्टर ए की तरफ, तो होगा बी कॉस थीटा, ऐसे समझना है। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए क्या होगा, अभी देख लिए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा हो गया। और सुनिए थोड़ा, अभी इतना आसानी से नहीं हो गया, यहां देखें हम अभी नहीं बताएं कि अगर मेरे पास, इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई काम अब है नहीं। अगर मान लेते कि मेरे पास एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट बोले ए बी कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए बी इक्वल टू, नहीं लिख सकते हैं कॉस थीटा, बोलिए हाँ कि नहीं, ए बी को इधर कर दिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा भी पूछ सकता है, इस पर भी क्वेश्चन रहेगा, करवाएंगे क्वेश्चन कि दो वेक्टर
दे देगा, उसके बीच का एंगल पूछेगा। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा की जगह पर पुट करें, बोला कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करें, तो बी है तो बी, और बाकी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। देखिए पुट किए, बी से बी कैंसिल, माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा ए, ई हो गया। इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूला ही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए, ए माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो हम तो कहते हैं कि आप ऐसे याद रखें कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए की तरफ, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बटा किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो किसका मैग्नीट्यूड, जिसके तरफ प्रोजेक्शन का बात कर रहे हैं, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किसके तरफ निकाल रहे हैं, ए की तरफ, तो ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जिसके तरफ निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा। अगर मान लेते कि हम बोलते हैं, अभी अगर हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हम ऐसे आपको बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अभी वेक्टर बी था ए कर दिए, अलोंग वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ, तो फॉर्मूला लिखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा नीचे मैग्नीट्यूड किसका, ए की तरफ निकाल रहा है ना प्रोजेक्शन, तो बटा बी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है बटा जिसके तरफ प्रोजेक्शन का बात कर रहे हैं, जिसके अलोंग उसको, इसका मैग्नीट्यूड नीचे, यही फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का। बाकी कंपोनेंट हम लोग समझेंगे। ये तो हो गया प्रोजेक्शन, इसको आप नोट करें, इसको आप नोट करें, इसको मिटार कर कंपोनेंट का बात करेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हो गया होगा। देखिए कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन समझनी है तो कंपोनेंट समझना एकदम आसान है। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था और दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो हम बोलते थे कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे, कहते थे ई है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए की तरफ, इसको बोलते थे बी कॉस थीटा। नहीं बोलते हैं कि अगर ये वेक्टर बी है तो थीटा एंगल बनाता है, तो इधर बी कॉस थीटा, इधर बी साइन थीटा, तो हो गया बी कॉस थीटा। तो कंपोनेंट क्या होता है, अगर हम कहते हैं, हम ई नहीं कहते हैं कि वेक्टर बी का, अभी हम क्या बोले, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए की तरफ, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए की तरफ, तो बी कॉस थीटा। अगर हम बोलते हैं कि वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए की तरफ, अगर हम बोलते हैं कि वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए की तरफ, तो कंपोनेंट एक वेक्टर है, कंपोनेंट अगर जब भी बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन में ही डायरेक्शन लगा दीजिए, कंपोनेंट हो गया, प्रोजेक्शन विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट। तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए की तरफ इतना, तो इसमें खाली डायरेक्शन जोड़ना दीजिए, इसमें डायरेक्शन जोड़ दीजिए, बी कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये जो लेंथ है इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है ए की तरफ, वेक्टर ए की तरफ, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन, किसी वेक्टर का डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर देता है, इस बात को हमें सही याद रखना है, यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे, तो डायरेक्शन जोड़ दीजिए, माने वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर माने ए कैप हो गया, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए की तरफ, बी कॉस थीटा। हम कहते हैं कि बी कॉस थीटा में अगर डायरेक्शन लगा देंगे तो वही कंपोनेंट हो जाएगा। प्रोजेक्शन मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड, किधर है उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोजेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्केलर है। अगर वही प्रोजेक्शन कि बी कॉस थीटा का डायरेक्शन कर देंगे कि इधर है ए की तरफ, तो हो गया कंपोनेंट। तो अगर हम बोलते हैं आपसे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ए नहीं बी लिखना चाहिए क्योंकि बी ही, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए की तरफ,
तो अगर प्रोजेक्शन होता था तो क्या होता था? अगर बोलते प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो नहीं लिखते कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि किसके तरफ प्रोजेक्शन बात कर रहे हैं, ए के तरफ, तो ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया प्रोजेक्शन। अब एरिया में डायरेक्शन लगा दीजिए तो कंपोनेंट हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए, और इसमें डायरेक्शन, वेक्टर इसका डायरेक्शन क्या है, ए कैप, तो ए कैप हो गया। ऐसे लिख सकते इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए, ए कैप को नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब क्या, किसी वेक्टर में जब उसके मैग्नीट्यूड से भागा देते तब ना आता यूनिट वेक्टर, हो गया। और कुछ है? यही है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अगर कहता कि कंपोनेंट, ऐसे ही याद रह जाएगा फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे याद रहेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी, ए का कंपोनेंट बी की तरफ, तो क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है बटा किसके तरफ, बी तरफ, तो बी का नीचे ले रखना है, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर बी की तरफ है तो बी का यूनिट वेक्टर, हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाकी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा बी, और वेक्टर बी बटा उसी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये हो गया आपका प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। प्रोजेक्शन में अगर डायरेक्शन जोड़ देते हैं उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे ही वेक्टर बी का प्रोजेक्शन था, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन था बी कॉस थीटा, बाकी बी कॉस थीटा की तो ऐसे लिखते हैं, तो डायरेक्शन जोड़ दिए कि बी कॉस थीटा इधर, तो हो गया कंपोनेंट। इसको नोट करें, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट पर भी सवाल आएगा, बाकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए, फार्मूला वगैरह पता होना चाहिए, समझ लीजिए प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग को पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट तो हो गया, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और जल्दी से ख़त्म करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, अब वेक्टर प्रोडक्ट में भी टाइम तो लगेगा ही पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा धैर्य बनाइए रखिए, वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इस एक वीडियो में भी हम, एक वीडियो में ही हम बहुत कुछ कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो बना भी नहीं था, सोच रहे कि इसमें पूरा ही हम समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं वेक्टर को, बाकी सिर्फ बचे क्वेश्चंस, क्वेश्चन का अलग वीडियो भेज देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल से फिर मेजरमेंट का अपलोड करना है, ऐसे पीछे हो जाएगा, इसलिए हमको इतना आज करना पड़ रहा है, क्योंकि कल रेगुलर मेजरमेंट का, यूनिट एंड मेजरमेंट का स्टार्ट होगा। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी को गुना करना है, साइन यूज करेंगे क्रॉस का, तो जो नया वेक्टर आएगा, माने जो भी आएगा आंसर, वो एक वेक्टर होगा। अगर वेक्टर होगा मतलब कि इस सी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बात करते हैं मैग्नीट्यूड का, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किए तो वेक्टर सी आया, वेक्टर सी बोल रहे हैं मैंने, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी और उसके पास डायरेक्शन भी, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। बाकी डायरेक्शन का बात करना है, अगर जैसे अगर मान लेते कि मेरे पास ई वेक्टर ए है, मेरे पास ई वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, वेक्टर ए वेक्टर बी बीच का एंगल थीटा, सही है, तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे, ए क्रॉस बी, तो जो वेक्टर सी आएगा ना, तो डायरेक्शन का बात करना पड़ेगा, स्केलर में डायरेक्शन का बात नहीं करते थे, स्केलर प्रोडक्ट में, क्योंकि स्केलर आता था सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा,
लेकिन चूंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बात करना होगा, इसी कारण थोड़ा बच्चा को वेक्टर प्रोडक्ट हार्ड लगता है। तो जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो जो वेक्टर सी आएगा ना ऊपर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के भी और परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के भी, मतलब वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा जो परपेंडिकुलर होगा ए के भी और सी परपेंडिकुलर होगा बी के भी। या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर सी उस प्लेन का ही परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी। सही है, वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा ए के और वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा बी के, इस बात को आपको याद रखना है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बताते हैं थोड़ा कि मान लेते कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी तो ए क्रॉस बी करेंगे ना तो वेक्टर सी, तो सी का डायरेक्शन तो दो दो हो सकता है। हम बोले कि सी जो वेक्टर सी है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा ए के, तो परपेंडिकुलर मैंने ऐसे भी हो सकता है इधर की ओर और परपेंडिकुलर मैंने इधर, अगर ऐसे भी किए तब भी ये परपेंडिकुलर ही है वेक्टर ए के भी और परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, अगर ऐसे करते तब भी ये वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी। लेकिन हमको एक डायरेक्शन का पता करना है कि वेक्टर सी का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, वेक्टर सी का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, माने इसे दो दो डायरेक्शन हो रहे हैं इधर भी और इधर भी, उसके लिए हम अलग रूल पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, उसके लिए बात नहीं करना है, उसके लिए हम बात अभी करेंगे डायरेक्शन का। आपको इतना समझना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो जो वेक्टर सी आएगा उसका डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर ए और वेक्टर ई वेक्टर ए ई वेक्टर बी, ई वेक्टर ए है और ई वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे ना तो ये नया वेक्टर सी आ रहा है, ई वेक्टर सी है, तो ई अगर सी है तो सी अगर ऐसे करते हैं डायरेक्शन देखिए तो ये सी इसके साथ भी परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे भी रखेंगे तब भी परपेंडिकुलर बना रहा है ए के साथ बी के साथ। तो यही हमको जानना एकदम एग्जैक्ट कि वेक्टर सी का डायरेक्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा, इसके लिए अलग अलग रूल हम पढ़ेंगे। ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने पर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने पर जो नया वेक्टर सी आएगा उसका डायरेक्शन प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी है, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्लेन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्लेन में है, इस प्लेन में ये प्लेन है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट के लिए कि वेक्टर सी का डायरेक्शन एग्जैक्ट एकदम क्या है बाहर की ओर के अंदर की ओर, उसके लिए हम लोग तरीका पढ़ेंगे। तो उसके लिए तो हम लोग तरीका पढ़ेंगे ही, उसके लिए तरीका पढ़ेंगे क्या, पढ़ ही लेते हैं अभी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल इसको बोलेंगे हम, देखिए लग करना शुरू करते हैं। अगर हम आपको बोलते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, हम कहते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो चलिए आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा देखते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड गुना आई कैप का मैग्नीट्यूड और फिर साइन ने ए बी साइन थीटा होता है साइन, आई कैप दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आई कैप मतलब अभी बताए थे दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री, आई कैप इधर और आई कैप दोनों वेक्टर तो एक ही तरफ है तो एंगल कितना होगा जीरो, साइन जीरो का मान क्या होता है साइन जीरो का मान जीरो, तो वन गुना वन और गुना जीरो तो हो जाएगा जीरो, तो आई कैप डॉट आई कैप जीरो। सही है, आसान एकदम, तो जीरो है तो उसका डायरेक्शन तो होगा नहीं, नल वेक्टर हो गया इसका तो डायरेक्शन का बात ही नहीं करना है। जे कैप डॉट जे कैप भी जीरो होगा, के कैप डॉट के कैप भी जीरो होगा, अगर आई कैप जीरो तो जे कैप भी जीरो और के कैप डॉट के कैप भी जीरो, ताकि फिर जे कैप के बीच का एंगल जीरो, के कैप और डॉट के कैप के बीच का एंगल भी क्या होगा जीरो। अच्छा ये तो ठीक हो गया, लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तब कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते तब क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो करिए आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन जे कैप का मैग्नीट्यूड वन दोनों के बीच का एंगल पता है 90,
साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मैंने 1 होगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 1। लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन भी तो पता करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन भी पता करना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए हमको तो ड्रॉ करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा नोट करें, इस लाइन के इधर नोट कर लें, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये अगर है x, ये है अगर y, यह है z, x की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप, y की तरफ j कैप और z की तरफ k कैप, हमको क्या करना है, वास्तव में z कैप, वास्तव में z एक्सिस इधर है, k कैप इधर है, i कैप क्रॉस j कैप का डायरेक्शन, i कैप क्रॉस j कैप, इसके लिए देखिए राइट हैंड है, राइट हैंड का यूज करते हैं हम लोग, अपने राइट हैंड आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो पहले आई कैप के साथ रखिए, इस राइट हैंड है ना, राइट हैंड को रख रहे हैं आई कैप, ऐसे देखिए आई कैप, आई कैप इधर ही है ना, इधर ही आई कैप है ना, तो राइट हैंड को रख दिए खोल के, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप ऊपर है, तो चार उंगली को ऐसे घुमाइए जे कैप की तरफ, आई कैप क्रॉस जे कैप, थंब बताएगा डायरेक्शन, आई कैप क्रॉस जे कैप का, आई कैप क्रॉस जे कैप, थंब बता रहा है बाहर, बाहर मतलब के कैप, बाहर जेड एक्सिस मतलब के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, 1 इंटू के कैप, तो क्या होगा के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, सही है। अगर कोई बच्चा पूछता है, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, अगर कोई बच्चा पूछता है कि जे कैप क्रॉस आई कैप, तब उल्टा जे कैप क्रॉस आई कैप, तो डायरेक्शन चेंज होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, देखिए हाथ को रखना है जे कैप की तरफ, जे कैप ऊपर है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप इधर है, आई कैप की तरफ घुमाना है, जे कैप क्रॉस आई कैप, अंदर क्यों रंग उठा बता रहा है, अंदर मतलब कि माइनस के, माइनस के, सही है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, सही है। अच्छा आगे अगर मान लेते हैं, हम कहते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया, जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं, तब क्या होगा, तो जे कैप क्रॉस के कैप का मैग्नीट्यूड तो बनी होगा, डायरेक्शन का बात करना है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप इधर है, जे कैप इधर है, के कैप इधर है, हाथ को ऐसे किए, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, हाथ को ऐसे करना है, जे कैप की तरफ हाथ को रखना है, उंगली को करना है के कैप की तरफ, के कैप मतलब इधर है, जे कैप क्रॉस के कैप बता रहा है इधर आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस आई कैप, सही है, सबको याद करना है। अच्छा अगर हम कहते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, आप घर में करके भी देख सकते हैं एक बार, के कैप क्रॉस आई कैप करिए, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप हाथ को रखना है, के कैप तो इधर है, के कैप क्रॉस आई कैप ऐसे रखना रखना पड़ेगा, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप इधर है, के कैप आई कैप इधर है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या बता रहा है ऊपर, जे कैप। तो अगर आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो डायरेक्शन उलट जाएगा, माइनस जे कैप, उल्टा करेंगे तो डायरेक्शन उलट जाएगा, करके देख सकते हैं, आई कैप, आई कैप मतलब ऐसे करना होगा, आई कैप, हाँ ऐसे आई कैप और क्रॉस के कैप तो इधर है, इधर के कैप है, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, सही है। तो इस प्रकार से आप उस रूल को समझ लें, राइट हैंड थंब रूल को समझ ही गए होंगे, इतना करते करते उसमें कुछ लिखाने वाला भी बात नहीं है, ठीक है ना, इसको करते करते इसको बाकी याद रखें, रूल को तो समझ ही गए होंगे करते करते, एक दो बार आप प्रैक्टिस करें, बाकी क्वेश्चंस करते करते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चंस होगा तो आपको इसको याद रखना है। देखिए इसमें
क्या याद रखना है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, ऐसे याद रखिएगा ना कि ऐसे याद रखिए, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, आई से जे की तरफ करेंगे चलेंगे तो आंसर आएगा के कैप, जे से के की तरफ चलेंगे तो आंसर आएगा आई कैप, ऐसे याद रखना है। आई कैप, आई के बाद आता है जे, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप करना है तो फिर माइनस कर देना है, माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, माइनस आई कैप, फिर के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, लेकिन आई कैप क्रॉस के कैप, मैंने अब एरो दे दिए हैं कि अगर आई से जे की तरफ चल रहे हैं आई कैप क्रॉस के, आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप, लेकिन अगर उल्टा चले मैंने जे कैप क्रॉस आई कैप अगर उल्टा चलने लगे, उल्टा मैंने ऐसे तो डायरेक्शन इधर दिए, अगर उल्टा चल दिए तो के कैप जो बचेगा उसको माइनस कर देना है। आई कैप अगर इस एरो को फॉलो कर रहे हैं, आई कैप से जे कैप की तरफ, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप से जे कैप की तरफ, आई कैप क्रॉस जे कैप तो बचेगा के कैप, लेकिन अगर जे कैप से आई कैप की तरफ जा रहे हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप तो बचेगा तो के कैप ही, लेकिन माइनस के कैप कर देना है क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, हम डायरेक्शन इधर बोले हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आएगा के कैप, क्योंकि आई कैप का आई कैप क्रॉस जे कैप बचा के कैप तो के कैप ही आएगा। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन पता लगना चाहिए, इधर डायरेक्शन जिधर हम बोल दिए हैं इसके अपोजिट अगर जाना है तो माइनस लगा देना है, सही है, बाकी याद करना बहुत आसान है। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, अगर जे कैप क्रॉस आई कैप करना है तो माइनस के कैप, सही है, कितना आसान है। बाकी अगर जे कैप क्रॉस के कैप करना है तो आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप अगर कर दिए तो माइनस आई कैप, और सी अगर के कैप क्रॉस आई कैप किए तो जे कैप, लेकिन आई कैप क्रॉस के कैप किए तो माइनस जे कैप, बस इसको याद रखना है। और इसको भी याद रखना है कि आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप ये गलती से डॉट हो गया है, ठीक है ना, गलती से क्या हो गया है, ये डॉट, ये गलती से डॉट हो गया, इसको सुधार लें, सही है, ये गलती से डॉट जहाँ जहाँ अगर हो गया, जहाँ जहाँ तो नहीं हुआ होगा, बाकी सब डॉट दिए मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है सीधा, सही है, यहाँ पर मेन था गलती, यहाँ पर दो जगह डॉट दिवाया था, जबकि जे कैप क्रॉस जे कैप होगा, के कैप क्रॉस के कैप होगा जीरो, सही है, तो इसको नोट करें। तो एक क्वेश्चन होगा बाकी इस पर, क्वेश्चन ठीक है ना, इस पे होना है, एक सेकंड, क्वेश्चन करवाना है पर क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, वीडियो लंबा तो हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, हम सोचे थे ख़त्म कर देंगे लेकिन शायद कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसके कारण हम अभी जितना तक हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट, बाकी क्वेश्चन करना है, कुछ और कॉन्सेप्ट बताना है वेक्टर प्रोडक्ट में, क्वेश्चन कराना है और कुछ और कॉन्सेप्ट एक दो को बताना है, ठीक है ना, तो जो बचा है बाकी पार्ट, ठीक है ना, एक दिन और चलेगा थ्योरी का वीडियो, उसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह होगा, ऐसे हम सोच रहे थे आज ही ख़त्म कर दें ताकि कल से यूनिट एंड मेजरमेंट होगा, लेकिन उसको हम कल कर देंगे ख़त्म। तो मिलते हैं कल के क्लास में, इसको रिविज़न करें।